गाइस इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का अभी अपकमिंग जो मैच होने वाला है, दो टेस्ट मैच एंड 3 T20 मैच, इसका टिकट के बारे में आप लोग बहुत सारा कमेंट कर रहे हो कि इसका टिकट कहाँ पे आउट होगा, कब तक आउट होगा, क्या टिकट लाइव हुआ कि नहीं। तो अगर आप देखोगे हर बार में इंडिया के अंदर जो टिकट आउट होता है बुक माई शो या तो फिर पेटीएम चैनल से, तो ये दोनों वेबसाइट में टिकट आएगा। तो मैं बता देता हूँ, देखो सबसे पहले जो पहला टेस्ट मैच है 19 सितंबर, लगभग आज से जो है ना 1 महीना 5 दिन बचा हुआ है, सबसे पहले मैं चेन्नई पे, उसके बाद जो सेकंड मैच होगा सेकंड टेस्ट मैच 27 सितंबर से लेके कानपुर पे, उसके बाद देखो सितंबर में दो ही मैच है, अक्टूबर में 3 मैच है, 6 तारीख 9 तारीख 12 तारीख, ये तीनों मैच जो होगा अलग अलग स्टेडियम पे होगा। तो सबसे पहले जो होगा ग्वालियर पे, उसके बाद दिल्ली पे, एंड तीसरा जो मैच होगा हैदराबाद पे, तो तीनों मैच अलग अलग प्लेस पे, एंड पहले जो दोनों टेस्ट है चेन्नई पे एंड यहाँ पे कानपुर पे। तो अभी बात करते हैं जो पांचों मैच होगा, पांचों मैच का टिकट कहाँ पे आउट होगा, तो एचपी रिपोर्ट जो सुना जा रहा है कि पेटीएम इंसिडर पे टिकट आउट होगा। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे इंडिया वर्सेज बांग्लादेश का, ये यहाँ पे टिकट शो कर रहा है इंडिया वर्सेज बांग्लादेश, जैसे आप यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ टिकट शो कर देगा। बट गाइस यहाँ पे बात करते हैं, देखो आपको लग रहा है कि ये टिकट है, बट आपको यहां पे एक चीज देखना है कि स्क्रीनिंग का टिकट दिखा रहा है, ये देखो ब्रैकेट में स्क्रीनिंग लिखा हुआ है, तो ये मैच का टिकट नहीं है, स्क्रीनिंग का टिकट है, लाइव स्क्रीनिंग, मतलब आप जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो इसी टाइप का एक स्क्रीन लगा रहेगा, बड़ा स्क्रीन, वहां पे जाके आपको देखना है, उसके लिए 799 rupees आपको यहाँ पे चार्ज कर रहा है। तो अगर आप देखना चाहते हो इसको जाके टिकट बुक कर सकते हो ऑनलाइन पे। बाकी देखो टेस्ट मैच चाहे T20 मैच का अभी भी कोई भी अपडेट नहीं मिला कहाँ पे टिकट आउट होगा एंड कब तक टिकट आउट होगा, टिकट का प्राइस रेट कितना होगा, बट आप लोगों को मैं कुछ बता देता हूँ। देखो जो टिकट आउट होगा, मैं भी सुनाई दे रहा है कि अगस्त का लास्ट वीक में या तो फिर सितंबर का फर्स्ट वीक में पेटीएम इंसिडर पे टिकट लाइव होगा, अभी तक जो न्यूज आ रहा है ऐसे सुनाई दे रहा है। एंड जो टेस्ट मैच होगा उसका टिकट का प्राइस रेट अगर पार्टी के हिसाब से लोगे 200 से लेकर 300 रुपये, एंड अगर आप 5 दिन का लोगे तो 700 लेकर 800 रुपये के अंदर मिनिमम टिकट का प्राइस रेट होगा। एंड जो यहाँ पे अलग अलग स्टेडियम पे 3 T20 मैच है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये 3 T20 मैच है, यहाँ पे डिपेंड करेगा कहाँ पे मैच हो रहा है। देखो दिल्ली के आसपास होगा तो 800-900 रुपये 1000 रुपये के आसपास टिकट का प्राइस रेट, हैदराबाद पे भी 700-800 रुपये रहेगा, एंड यहाँ पे ग्वालियर पे देखो यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि 400 से लेके 700 रुपये के अंदर रह सकता है, ये देखना पड़ेगा। बाकी ये दोनों टेस्ट मैच का बता दिया कि अगर दिन के हिसाब से लोगे 5 दिन का, एक एक दिन का अगर टिकट लेना चाहते हो तो 200 से लेकर 300 रुपये या 400 रुपये रेट हो सकता है, या पूरा 5 दिन का लेना चाहते हो वो भी अवेलेबल रहेगा, वहाँ पे मैं बता दूंगा जैसे टिकट लाइव होगा मैं अपडेट दे दूंगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो चैनल जरूर सबसे कर लेना, एंड गलती से भी ये जो टिकट आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे लाइव स्क्रीनिंग का 799 rupees का अवेलेबल है, बाई ना पे जाओगे बाई हो जाएगा, बट यहाँ पे ये जो है फेक टिकट है। फेक टिकट मतलब क्या है, स्टेडियम का टिकट नहीं है, आपको लाइव स्क्रीनिंग का टिकट दिखा रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो भी लोकेशन रहेगा, आप देखो गाजियाबाद पे ये दिखा रहा है, अलग अलग जगह पे रहता है, तो अगर आप चाहते हो बुक करने के लिए बुक कर सकते हो। अदरवाइज देखो टिकट अगर आपको चाहिए कोई भी मैच का, चाहे टेस्ट चाहे T20 मैच का, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर कुछ पूछना है तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे डायरेक्ट मेरे को मैसेज कर सकते हो, साथ मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।